हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके SSC एग्जाम के लिए साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करें, क्लास को मिल के शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। दोस्तों, आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, अपने क्लास में 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सभी लोग अपने क्लास को शेयर कर दें। तो आपका पहला प्रश्न है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का समान तरंग दैर्ध्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन हैव द सेम वेवलेंथ देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम। तो वेग, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग या ऊर्जा। तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का समान तरंग दैर्ध्य हो तो उसका जो है क्या समान होगा। ऑप्शन बी, रैखिक संवेग। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, रैखिक संवेग। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वह प्रघटना क्या है। व्हाट इज द फेमिनन दैट एटैब्लिश द ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट। ऑप्शन है आपके परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवीकरण। तो वह कौन सी प्रघटना है जिसने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है। ऑप्शन डी, ध्रुवीकरण। ऑप्शन डी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, ध्रुवीकरण। ओके, ऑप्शन डी जिनका आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन अन्य तीन की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परावर्तित करता है। Which of the following reflects more sunlight than the other three? Options हैं आपके रेत का रेगिस्तान, ताजे हिमपात से ढकी हुई भूमि, मैदानी भूमि, धान की फसल की भूमि। बताएं कौन जो है तीन यानी कि अन्य की तुलना में प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी, ताजे पानी से ढकी हुई भूमि। ओके, फ्रेश स्नो कवर। ओके, चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स, प्रकाशी फिल्टर का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, सॉरी ऑप्टिकल फिल्टर। ऑप्शन है आपके, विभिन्न रंगों के प्रकाश को परावर्तित करना, प्रकाश के घटों में प्रकाश को घटक रंगों में चितरना, विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन करना या विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेश करना। बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। ओके, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है आपके, आयाम, आयाम का वर्ग, आयाम का वर्गमूल या आयाम का घन। तो किसी तरंग की प्रबलता उसके किस अनुपात में होती है, बताएं। ऑप्शन बी, आयाम का वर्ग, स्क्वायर ऑफ डायमेंशन। ओके, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, आयाम का वर्ग। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि पानी में पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है। द ग्लो इन द बबल्स फॉर्ड आउट ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रोसेस।
तो इस किस प्रक्रिया द्वारा होती है? ऑप्शन है आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वैसे बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? व्हाट वुड द स्काई लुक लाइक इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? ऑप्शन है आपके नीला, गहरा लाल, श्वेत, काला। तो पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो आकाश का रंग होगा, ठीक है, वो काला होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक कलर। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि समुद्र का रंग नीला दिखाई दिखता है क्योंकि उसके ऊपर गिरने वाली सूर्य का किरण डैश होता है, तो किस कारण समुद्र का रंग नीला दिखता है? परावर्तन, दिशा परिवर्तन, विवर्तन या प्रकीर्णन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन। ठीक है, स्कैटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? हाउ इज सिग्नल ट्रांसमिट इन द ऑप्टिकल फाइबर? सीधी रेखा पथ में, घुमावदार पथ में, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण? प्रकाश यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस ऑफ साउंड वेव्स? ऑप्शन आपके परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण। तो बताएं कि ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन जिम्मेदार होता है? परावर्तन होता है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एक्सरे? ऑप्शन हैं आपके, इसमें कम भेदन क्षमता होती है, यह प्रकाश की गति से चलती है, यह परावर्तित या अपवर्तित दोनों हो सकती हैं, या फोटोग्राफी की प्लेट को प्रभावित कर सकती है। तो बताएं एक्सरे के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें कम भेदन क्षमता होती है। ऑप्शन ए जिनका आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि जब हम किसी वस्तु यानी कि पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? व्हाट इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना व्हेन वी लुक एन ऑब्जेक्ट? ऑप्शन है आपके वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, कल्पित तथा सीधा, कल्पित तथा उल्टा। बताएं।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, जब हम किसी वस्तु यानी कि पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक तथा उल्टा दिखता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? व्हाई डज द कलर ऑफ सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? ऑप्शन है आपके, क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है, सूर्य पर्वतों में से निकलता है, या लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। कमेंट करें। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड एक्सपेक्ट रेड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम आवृत्ति होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी? तो दृश्य प्रकाश, गामा किरणें, एक्स किरणें या पराबैंगनी किरणें, बताएं कि इनमें से न्यूनतम आवृत्ति किसमें होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृश्य किरणों में। ठीक है, तो फ्रेंड्स दृश्य किरणों में न्यूनतम आवृत्ति होती है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तो दृश्य किरणों में न्यूनतम आवृत्ति होती है, ये आप याद रखेंगे। ओके चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रत्येक गर्म वस्तु से डैश का उत्सर्जन होता है, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स, एक्स किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें या पराबैंगनी किरणें? तो प्रत्येक गर्म वस्तु से किसका उत्सर्जन होता है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरक्त किरणें। ठीक है, तो प्रत्येक गर्म वस्तु से अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आया है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, अवरक्त किरणों का। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? विच कलर कैन नॉट बी डिफरेंटिएट बाई अ कलर ब्लाइंड पर्सन? ऑप्शन है आपके, काले और पीले, लाल और हरे, पीले और सफेद, या हरे और नीले। तो वर्णांध व्यक्ति किन रंगों के भेद के मध्य जो भेद नहीं कर पाता बताएं। ऑप्शन बी लाल और हरे, रेड एंड ग्रीन। ऑप्शन बी जिनका आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? द साउंड क्वालिटी ऑफ म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेन इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन है आपके, कंपन की आवृत्ति, वाद्य यंत्र में तारों की लंबाई, कंपन का आयाम, ध्वनि की तरंग रूप। क्वेश्चन फिर से पढ़ लें, किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन डी, तरंग की ध्वनि का, ध्वनि की तरंग का रूप, साउंड वेव फॉर्म, क्योंकि साउंड वेव फॉर्म। ओके चलिए अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स की संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? व्हाट डज द ग्रेड ऑफ नोट्स इन म्यूजिक डिपेंड ऑन? मूल आवृत्ति, तरंग प्रवर्धन, मौजूदा हार्मोनिक यानी कि सन्नाद, या माध्यम में ध्वनि का वेग? संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर करती है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौजूदा हार्मोनिक। ठीक है, करंट हार्मोनिक। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता?
विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, तो रेडियो, पराबैंगनी, अवरक्त या पराश्रव्य, तो कौन सी ध्वनियों को तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं इनको ध्रुवित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ओके, पराश्रव्य। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आंखों के लेंस किसके पीछे होते हैं, व्हाट इज बिहाइंड ऑफ लेंस ऑफ द आई, प्यूपिल, विट्रस ह्यूमन, रेटिना या ऑप्टिक नर्व। तो आंखों के जो लेंस होते हैं ये किसके पीछे होते हैं, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्यूपिल, ओके। ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है कि एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है, व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एमिशन ऑफ एक्स रेज, तो रमन प्रभाव, कॉम्प्टन प्रभाव, जीवन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव बताया क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ओके फ्रेंड्स। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति कैसे चश्मे पहनता है, हाउ डज द पर्सन विद लॉन्ग विजन वियर गॉगल्स, तो दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति कैसे चश्मे पहनेगा। ऑप्शन है आपके, अवतल उत्तल लेंस के, नेगेटिव पावर के लेंस के, अवतल लेंस के या उत्तल लेंस के, बताएं। ऑप्शन डी, उत्तल लेंस के, ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी चुना हुआ है तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका, उत्तल लेंस के। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिमिनिया इज इन्वॉल्व इन द कैलिडोस्कोप, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। तो कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है, कमेंट करें। तो कैल्डोस्कोप में परावर्तन घट होता है, क्या होता है, परावर्तन। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, परावर्तन। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती हैं, विद द हेल्प ऑफ विच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन, तो क्रोनोमीटर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या स्टेटोस्कोप, बताएं कि दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो दूर की वस्तुएं होती हैं इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, क्लियर। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, माइक्रोस्कोप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि एक श्यामपट रंग में काला क्यों दिखाई देता है, व्हाट डज अ ब्लैक बोर्ड अपीयर ब्लैक इन कलर, एक जो श्यामपट होता है जिसको ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, ये रंग में काला क्यों दिखाई देता है, वह काला रंग प्रतिबिंबित करता है, वह काला रंग अवशोषित करता है, वह काले रंग प्रतिबिंबित करता है या वह सारे रंग अवशोषित करता है। एक श्याम पट यानी कि एक ब्लैक बोर्ड जो है काला रंग का क्यों दिखाई देता है, कमेंट करें। ऑप्शन डी,
वह सारे रंग अवशोषित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, चलिए, कि वह सारे रंग अवशोषित करता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि आवर्धक कांच में डैश लेंस का प्रयोग होता है। डैश लेंस इज यूज टू मैग्नीफाई ग्लास, तो आवर्धक कांच में किसका यूज होता है, उत्तल अवतल समतल अवतल समतल उत्तल, बताएं। तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं, तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है। इफ ऑब्जेक्ट्स अपियर लार्जर एंड इन्वर्टेड इन द रियर व्यू मिरर, विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड। ऑप्शन है आपके अवतल उत्तल बेलनाकार या परिदर्शी। तो यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी और उल्टी दिखाई देती हैं, तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल। ठीक है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में होता है। जनरली अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन, तो सौर चूल्हा, नेत्र अंतर्दर्शी, अग्रदीप का प्रतिक्षेपक या पश्चदर्शी दर्पण। तो सामान्यतः जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में होता है, ऑप्शन डी पश्चदर्शी दर्पण रियर मिरर में। ठीक है, अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर अपने ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है, पश्चदर्शी दर्पण के रियर मिरर में। ओके चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है आपके सामने कि लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, बताएं कि लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, हल्का नीला, पीला, श्वेत, स्लेटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीला। कौन सा कलर को प्राप्त होता है, पीला रंग प्राप्त होता है, याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। व्हाई डज अ वाटर टैंक अपीयर शॉलो व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव। ऑप्शन है आपके प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण, बताएं। ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना डैश कहलाती है। द फिनोमेनन ऑफ चेंज इन द डायरेक्ट ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके अपवर्तन, विवर्तन, संचरण या कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है,
ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, क्या बोलते हैं, अपवर्तन। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि एक सामान्य पुरुष के लिए, सॉरी एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन है आपके 2.5, 25, 58 और 60, कमेंट करें। तो जो न्यूनतम होती है 25 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम कितनी होती है अनंत होती है। क्लियर, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आया है सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन बाई कॉनकेव मिरर कॉल्ड। ऑप्शन है आपके आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब या सीधा प्रतिबिंब, बताएं। देखिए अवतल दर्पण पर जो है बनने वाले प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी चुना हुआ है फ्रेंड्स तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी कि साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल्स। ऑप्शन है आपके उत्तल, अवतल, समतल या उल्टा। तो वाहनों के पार्श्व दर्पणों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इनमें कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तो इनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखें। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि सफेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं। व्हाई डू सोप बबल्स अपीयर कलर इन व्हाइट लाइट। ऑप्शन है आपके आपके विवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या व्यतिकरण, बताएं कि सफेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं। ऐसा व्यतिकरण के कारण होता है। ओके फ्रेंड्स, कैसे, व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन डी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा बचत में सबसे अधिक सहायक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हेल्पफुल इन सेविंग एनर्जी। ऑप्शन है आपकी इनकैंडेसेंट बल्ब, फ्लोरेंस ट्यूबलाइट, कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैम्प या एलईडी बल्ब, बताएं कि कौन एक ऊर्जा बचत में सबसे अधिक सहायक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एलईडी बल्ब। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, ये होता है एलईडी का फुल फॉर्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे डैश कहते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, अल्फा कण। तो लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो इसको क्या कहते हैं, बताएं। इनको बोलते हैं फोटॉन। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर, फोटोन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न के दो निकट वस्तुओं के भेद करने की क्षमता को कहते हैं। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू एडजेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो दो निकट वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता, वीडियो क्षमता
अंतर करने की क्षमता या आवर्धक क्षमता, बताएं। दो निकट वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को विभेदन क्षमता बोलते हैं, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन ए आया है, वेरी गुड। चलिए क्या बोलते हैं, विभेदन क्षमता। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न, किसी आंख कान नाक या गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू इंस्पेक्ट एन आई ईयर नोज एंड थ्रोट? ऑप्शन है आपके अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, साधारण दर्पण या समतल दर्पण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ओके चलिए अगला प्रश्न, दीर्घ दृष्टि दोष का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉजेस ऑफ मायोपिया? ऑप्शन है आपके अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा होना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना, तो कोई भी विकल्प सही नहीं है, बताएं। तो दीर्घ दृष्टि दोष का कारण जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन सी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि सूरज की सतह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तु में क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट बाय देमसेल्फ लाइक द सन आर कॉल्ड? तो सूरज की सतह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं को क्या बोलते हैं, बताएं। ऑप्शन है आपके चमकदार वस्तुएं, प्रकाशवान वस्तुएं, चमकीली वस्तुएं या उज्ज्वल वस्तुएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट या प्रकाशमान वस्तुएं। ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो सूरज की सतह से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली जो वस्तुएं होती हैं इनको प्रकाशमान वस्तुएं कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल इन द ह्यूमन आई? ऑप्शन है आपके कॉर्निया, परितारिका, नेत्रोध, दृष्टिपटल। बताएं कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परितारिका, आयरिस, ठीक है। जो परितारिका है ये मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ओके ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके परितारिका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, किसी दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंदु के साइज की बनती है, तो किस दर्पण में ऐसा होता है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी सीधा और वस्तु के साइज की बनती है? ऑप्शन है आपके समतल, उत्तल, अवतल, कोई भी विकल्प सही नहीं है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, उत्तल, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में ऐसा होता है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है यह आभासी सीधा और बिंदु के साइज का बनता है, ठीक है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि डैश एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाली प्रतिबिंब डैश होगी। इन अ कॉनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द इमेज फॉर्म्ड विल बी। तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी, आभासी सीधा छोटा या वक्रता केंद्र पर स्थित, कमेंट करें।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वक्रता केंद्र पर स्थित। ऑप्शन डी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, सही उत्तर है उनका, वक्रता केंद्र पर स्थित। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट। मानव नेत्र पर, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है फिर कॉर्निया, परतारिका, पुतली या दृष्टिपटल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हो तो आपको ज्यादा आसानी होती, ठीक है, लेकिन दृष्टिपटल भी आप याद रखेंगे, रेटिना को कहते हैं जो कि इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी चुना हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है, मानव नेत्र के दृष्टिपटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ओके चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है। डिवीजन ऑफ लाइट, डिवीजन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट कलर इज कॉल्ड। विवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्षेपण। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो ये विक्षेपण होता है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगे होती हैं, लाइट वेव्स आर, तो विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। बताएं कि प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज मेजर्ड बाई। ऑप्शन है आपकी रुधिर कोशिका मापी, स्पेक्ट्रमी, प्रकाश मापी, कैलोरी मापी या वृद्धि मापी। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की जो वृद्धि होती है ये किससे मापी जाती है, कमेंट करें। ऑप्शन डी, वृद्धि मापी। ठीक है, कैलिब्रेटर। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, वृद्धि मापी। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि झींगे के हृदय में, इन द हार्ट ऑफ प्रॉन्स, तो झींगे के हृदय में क्या होता है? बिल्कुल रक्त नहीं होता, विऑक्सीजनित रक्त होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है, ये मिश्रित रक्त होता है। बताएं कि झींगे के हृदय में कैसा रक्त होता है। देखिए, झींगे के हृदय में ऑक्सीजनित रक्त होता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने ऑप्शन सी चुना हुआ है तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका, तो ये ऑक्सीजनित रक्त होता है। ओके चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इन लीव। ऑप्शन है आपके लैम्प्रे, एसिडिया, इला मछली या टोड, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल फिश। ठीक है, एल मछली। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। ओके चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें रक्त तो नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ब्लड बट ब्रीथ्स। ऑप्शंस हैं आपकी मछली, केचुआ, हाइड्रा, कॉकरोच। ऑप्शन सी, हाइड्रा। ओके
तो हाइड्रा में ब्लड नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है, ठीक है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हाइड्रा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं, व्हाट इज द कॉकरोच लार्वा कॉल्ड। इल्ली, निम्फ, मैगट, भृंगक, बताएं फ्रेंड्स कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं। तो कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहते हैं, याद रखेंगे इसको। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि रेंगने और विसर्पण करने वाली कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ वेजिब्रेट्स डेट क्रॉल एंड क्रॉल आर कार्ड। ऑप्शन है आपके स्तनधारी, उभयचर, मृदुकवची या रेप्टिलिया। तो रेंगने वाले और विसर्पण करने वाली जो है कशेरुकी जंतुओं को क्या कहते हैं, कमेंट करें। ऑप्शन डी, रेप्टिलिया, इनको सॉफ्ट ड्रिंकर या रेप्टिलिया कहते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रेप्टाइल्स इनको कहते हैं। ओके चलिए, अगला प्रश्न है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इज। दंदाड़ू, गोलाड़ू, सर्पिल, बीजाड़ू। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कैसे हैं बताएं। ऑप्शन ए, दंदाड़ू, ठीक है। कैसी होती हैं तो दंदाड़ू होती हैं, बैसिलस। ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उभयचर के जिव्या नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस डज नॉट हैव अ टंग। ऑप्शन है आपके स्फिनोडॉन, सेलामेंडर, इकेथियोफिस या नेक्ट्यूरस। तो इनमें से बताएं कि किस उभयचर में के जिव्या नहीं होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इकेथियोफिस, ठीक है। इकेथियोफिस के जिव्या नहीं पाई जाती है, क्लियर। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल फिश। ऑप्शन है आपके रजत मीनाब, तारा मीन, कुरंजक सुरा, कवच प्राणी। तो इनमें से कौन सी एक वास्तविक मछली है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुरंजन सुरा, इसको डॉग फिश कहते हैं। ओके, तो यह एक वास्तविक मछली होती है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पूर्ति जीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। पता है पूर्ति जीवी कौन से जीव होते हैं जो किस पर निर्भर करते हैं। जीवित पादपों पर, जीवित जंतुओं पर, मृत और क्षयमान सामग्री पर या अकार्बनिक रासायनिक यौगिकों पर। बताया कि पूर्ति जीवी कौन से जीव होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पूर्ति जीवी वे जीव होते हैं जो आहार के लिए मृत और क्षयमान सामग्री पर निर्भर करते हैं। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, मृत और क्षय सामग्री पर। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक कीट प्राणी, सॉरी कीट एक प्राणी है जिसमें होता है। तो कीट किसको बोलते हैं जिनमें क्या होता है, तीन जोड़ी टांगे, चार जोड़ी टांगे, सिर, वक्ष और पेट या पंखों का एक जोड़ा एवं एंटीना, कमेंट करें।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीन जोड़ी टांगे, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स। ठीक है, इंसेक्ट इज एन एनिमल विच हैज़ थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि विशालतम अकशेरुकी है, सबसे ज्यादा जो है यानी सबसे बड़ी अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट कौन है? ऑप्शन है आपके स्पंज, मोलस्क, संधिपाद, शूल चर्मी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलस्क। सबसे विशालतम अकशेरुकी कौन सी है फ्रेंड्स? ये मोलस्क होती है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, मोलस्क इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निमेटोसिस्ट पाया जाता है, निमेटोसिस्ट इज फाउंड स्टारफिश में, एस्केरिस में, सेंटीपेड में, या सी एनिनी मोन में। पता है कि फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो ये निमेटोसिस्ट है ये किस में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी एनिमोन में। किसमें? सी एनिमोन। ऑप्शन डी जिनका आंसर आया फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? विच एनिमल डज नॉट हैव ईयर कवर? सांप, कछुआ, ट्वेटा, टोडा। तो कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है बताएं? सांप में नहीं होता है, ठीक है, स्नेक। तो सांप में जो है कान का पर्दा नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इमिट्स यूरिक एसिड एज एन एक्स्ट्रॉटरी प्रोडक्ट? ऑप्शन है आपके अमीबा, तिलपिया, गौरैया या ऊंट। उत्सर्जक पदार्थ के रूप में कौन एसिड का उत्सर्जन करता है बताएं? ऑप्शन सी स्पैरो, गौरैया। ओके चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? विच कार्बोहाइड्रेट इज द आउटर स्किन ऑफ मोस्ट क्रस्टेशियंस मेड ऑफ? ऑप्शन आपके सेलुलोज, गैलेक्टोज, काइटिन या स्टार्च। देखिए अधिकांश क्रस्टेशियाई की जो बाहरी त्वचा होती है ये काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है फ्रेंड्स? तो काइटिन की। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है काइटिन। ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है? ऑप्शन आपके मेंढकों को, मानवों को, छिपकलियों को या सांपों को। तो शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप क्या होता है बताएं? ये मानवों में होता है, ठीक है। ह्यूमन हैज एक्सेस हीट फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू लो बॉडी टेम्परेचर। ओके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवों को। चलिए अगला प्रश्न, की पत्ती जैसी संरचना वाली मंगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है? द कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड हैविंग अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन मादा कॉकरोच, नर कॉकरोच, नर एस्कारिस या मादा एस्कारिस। ठीक, किसमें पाई जाती है बताएं?
ऑप्शन बी नर कॉकरोच। ओके ऑप्शन बी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव लैटरल लाइन सेंसरी ऑर्गन। ऑप्शन है आपके लिबियो, कैटला, सी हॉर्स या मागुर। तो किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है, कमेंट करें। ऑप्शन सी, सी हॉर्स। किसमें नहीं होता है? समुद्री घोड़ा नहीं, सी हॉर्स में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान से पढ़िएगा। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? व्हाट आर द स्मॉल सी क्रिएचर्स दैट मेक अप लाइमस्टोन स्ट्रक्चर कॉल्ड। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन हैं क्लिमिटोमोनस, फोरा मिनीफेरा, मूंगा चट्टान, डायटम। इनको मूंगा चट्टान बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि शार्क के किस प्रकार, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? व्हाट टाइप ऑफ टेल फाउंड इन शार्क्स। ऑप्शन है आपके आद्यपाली पूंछ, समपाली पूंछ, विषमपाली पूंछ या द्विसमपाली पूंछ। तो शार्क में किस प्रकार की टेल पाई जाती है बताएं। ऑप्शन सी विषमपाली पूंछ, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पांडा किसके कुल का होता है? व्हाट फैमिली डज पांडा बिलोंग टू। कंगारू, सेही, वेल या भालू। वेरी इजी क्वेश्चन। पांडा किसके कुल का होता है बताएं। ऑप्शन डी, ठीक है, भालू। ऑप्शन डी अगर आपने चुना फ्रेंड्स इसका आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो पांडा जो है भालू की फैमिली का होता है, ठीक है। चलिए कुल यानी कि वंश होता है, ठीक है, वंश, ठीक है, ये वाला टोटल वाला कुल नहीं पूछ रहा है। अगला प्रश्न, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? व्हाट आर द विंग्स ऑफ बर्ड्स। आपके ऑप्शन है रूपांतरित पश्च अंग, नई संरचना, अधिवारी अपवृद्धि या रूपांतरित अग्र अंग। बताएं कि जो पक्षियों के पर होते हैं, पंख होते हैं, ये क्या होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपांतरित अग्र अंग, ठीक है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, रूपांतरित अग्र अंग। चलिए अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? आसान क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कंज्यूम्स द मोस्ट साल्ट। भेड़, ऊंट, गधा, कुत्ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंट, ठीक है। तो ऊंट जो है नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि रुधिर है, देयर इज अ ब्लड। तो रुधिर क्या है? संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, प्रजनक ऊतक। बताएं रुधिर क्या है। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, क्या होता है, या एक संयोजी ऊतक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए चुना हुआ है, वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न, कि जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? तो जोंक देखे होंगे, जो मवेशी होते हैं, जो गाय भैंस होते हैं, ठीक है, इन पर कैसा परजीवी होता है, कैसा पैरासाइट होता है? लीच इज एन एक्सटर्नल पैरासाइट ऑन कैटल। ऑप्शन है आपके मांसभक्षी, सर्वभक्षी, रक्त पिपाशु, तृणभक्षी। बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रक्त पिपाशु, ये ब्लड ड्रिंकर होती है। देखिए आप लोग देखेंगे जो गांव में तालाबों में जानवर नहाने के लिए जाते हैं, जब वहां से बाहर निकलते हैं तो जोंक उनके शरीर में चिपक लेती है और ये रक्त पीती है, ठीक है, इसका, क्योंकि उनका खून पीती है, तो ये रक्त पिपाशु होती है, ब्लड ड्रिंकर। क्लियर, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आया है, वेरी गुड। चलिए
तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, जो हमारी ई बुक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और कल से परसों तक आपके सामने आ भी जाएगी, ठीक है। तो इसकी कीमत हम लोगों ने सिर्फ जो है 15-20 रुपए रखी हुई है और इसमें आपके जितने भी SSC द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन, वो हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है, अपनी ई बुक में। हम बात कर रहे हैं अपनी ई बुक की, ठीक है। तो जितने भी जो है SSC द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन जो भी हमको कलेक्शन मिला है वो हमने इंक्लूड किए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके SSC एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। इसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ठीक है, इसके अलावा जो है अभी जो आविष्कार वाले, इन्वेंशंस वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब कुछ हमने इस बुक में कवर किया हुआ है। और ये किसका, मान लीजिए ये एक छोटा सा वर्जन हमने लॉन्च किया हुआ है। अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं तो हम जल्दी आपके लिए 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन वाली ई बुक भी लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो आज की हमारी क्लास है इसमें इतने क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे जो क्लास है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। सभी लोग फ्रेंड, जिन भी लोगों ने क्लास को अपने लाइक नहीं किया है, सब लोग क्लास को अपने लाइक करें और सभी लोग अपने क्लास को एक बार शेयर भी करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स सब लोग अपने क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार, मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप